गाजियाबाद की महापौर ने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट के प्रबंधन को लेकर उनके शहर में चुनौती बताई। उन्होंने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि मैं शाम को जब घूमने निकली तो ऐसा लगा कि वह विदेश में घूम रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। यहाँ से जो हम लोग सीख के जाएंगे उसको कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ की सिचुएशन और गाजियाबाद की सिचुएशन में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे और बेटर टू बेटर हो रहा है। लास्ट टाइम से अब गाजियाबाद काफ़ी बेटर हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। चूँकि हम लोग NCR के पास हैं, पूरी कोशिश है हमारी, हमने जो यहाँ से इंदौर में घूमा और देखा और जो यहाँ हम इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने आए हैं, इंदौर एक बड़ा साफ़ सुथरा, मैं कल भी डिस्कस कर रही थी कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बहुत ज़्यादा प्रयोग करा है, चाहे वो डिवाइडर ट्रीज हों, चाहे वो फाउंटेन ट्रीज हों, चाहे वो डिफरेंट ट्रीज कितने भी बड़े हों, बट आपने किसी के रूट्स में, किसी के इन बिटवीन, किसी के लीव्स में पूरा एक करके बल्ब जलाए हैं डिफरेंट तरीके के, लाल, हरे, पीले। तो शाम के टाइम ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग इंदौर में ना घूम के कहीं आसपास अच्छे से विदेशों में घूम रहे हो, तो एक तो हम चीज़ ये पकड़ के लेके गए हैं, हम भी अपने शहर में यही कराएंगे। दूसरा भी हमारे को जो अभी पता लगा जीरो वेस्ट वाला जो आप कर रहे हैं पॉसिबल, जब इंदौर में पॉसिबल नहीं है तो वहाँ भी हमारे यहाँ कूड़ा डेली 80 टन कूड़ा हम गाजियाबाद से हापुड़ नियर अबाउट 40 किलोमीटर वहाँ भिजवा।